दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गूगल ड्राइव पे फोटो को कैसे हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आप अपने फोटो को हमेशा के लिए कैसे सेव कर सकते हो, आप जहां कहीं चाहो जिस जगह चाहो वहां पे आप उसे निकाल सकते हो इजीली तरीके से। कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हो, कोई ऑडियो, कोई भी आप चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, PDF वगैरह भी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आप अपने यहाँ पर कैसे फ़ोटो को सेव कर सकते हो गूगल ड्राइव में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लगाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए, क्योंकि ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना, आपके फोन में ही एप्लीकेशन होता है ड्राइव नाम का, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से आपके फोन में एक एप्लीकेशन मिल जाएगा ड्राइव। यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। ये आपकी जीमेल आईडी से कनेक्ट रहता है, आप कहीं पर भी आप अपनी जीमेल आईडी को जब लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जितनी फाइल है यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे कैसे फोटो सेव करना है इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे, सॉरी राइट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे कोने पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पर आपको इस तरीके से टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन आएगा, फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फोल्डर बना लेना है अपने नाम का, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ ही बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया। क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये फोल्डर बनके तैयार हो जाता है। अब दोस्तों आपको इसी फोल्डर पे इस तरीके से टैप कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे टैप कर दिया है। यहाँ पे नो आइटम, यहाँ पे कोई भी नहीं अभी आइटम आया हुआ है। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे फिर से आपको क्लिक करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन मिल जाता है, अपलोड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सीधा ले जाएगा आपके आपके जो गैलरी होती है उसमें। इस तरीके से जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट कर लें जो भी आपको उस फोल्डर में पहुँचाने हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ये फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, एक फोटो हमने सिलेक्ट किया और ये देखो आप सीधा वहाँ पे ऐड हो गया। इस तरीके से आप फोटो पे यहाँ पे इस तरीके से टैप करना है आपको। जैसे ही आप टैप करोगे यहाँ पे वेटिंग टू यहाँ पे अपलोड दे रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत देर में ये अपलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। 200 वाट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये 256.0 KB का यहाँ पर डल चुका है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना, अगर आपका नेट फास्ट चल रहा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जल्दी। तो चलिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनली फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से दोस्तों फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इस फोटो को हटाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डॉट पे, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिमूव का, यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है। इसकी आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एक काम यहाँ पर और अच्छा सा बता दूँ, आप ये डायरेक्ट किसी से फ़ोटो आप की डाउनलोड करवाना चाह रहे हो, कोई सोच रहा है भाई आपका फोटो डाउनलोड कर ले, तो यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है, उससे वो लिंक भेज देनी है और वो इजीली तरीके से वो लिंक पे क्लिक करके आपका फोटो डाउनलोड कर लेगा। दोस्तों इसके जुड़े और भी कोई आपको चाहिए सुझाव तो जरूर बताएं, यानी कोई भी जानकारी चाहिए तो जरूर बताएं। दोस्तों कोई दिक्कत आ रही है अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।